हाय क्यूटी बाइज, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है नाउंस जेंडर। व्हाट इज जेंडर? ये जेंडर क्या है? जेंडर इज द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट क्लासिफाइज इट इनटू मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर। जेंडर वो क्वालिटी है या गुण है नाउन और प्रोनाउन का जो क्लासीफाई करती है ग्रुप में, मतलब क्लासीफाइज मतलब एक ग्रुपिज्म बनाती है या फिर विभाजित करती है। किस में क्लासिफाई करती है? ग्रुपिज्म में मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर। अब मैस्कुलिन, फेमिनिन और कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर क्या होते हैं वो मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, माय ब्रदर, एक सेंटेंस लिया है, माय ब्रदर अनस एंड माय डॉटर आयरा आर फ्रेंड्स। मेरा भाई अनस और मेरी बेटी आयरा दोस्त हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमें समझ में आया। अब इसमें मैं समझाना ये चाहती हूँ, जो इसमें ऊपर जो ब्रदर है, द वर्ड ब्रदर टेल्स अस दैट द पर्सन बीइंग स्पोकन ऑफ इज अ मैन। जो ऊपर ब्रदर, ये जो ब्रदर नेम लिया गया है ब्रदर, ये दर्शाता है कि जो पर्सन है जिसके बारे में बात करी गई वो एक मैन है, दैट मीन्स मैस्कुलिन, ठीक है। इससे पता चलता है हम किसी मैस्कुलिन के बारे में बात कर रहे हैं, मैन है, मैस्कुलिन हो गया, ठीक है। ब्रदर से द वर्ड डॉटर, द वर्ड डॉटर टेल्स अस दैट द पर्सन बीइंग स्पोकन ऑफ इज अ गर्ल। जो डॉटर है वो ये दर्शाता है या बताता है कि जिसके बारे में बात करी जा रही है वो एक लड़की है, गर्ल है। वो क्या, इससे हमें पता चलता है कि ये फेमिनिन है, फेमिनिन जेंडर है। इससे हमें जेंडर पता चला कि ये मैस्कुलिन जेंडर हो गया और ये फेमिनिन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आता है फ्रेंड्स, बोथ आर फ्रेंड्स या दे आर फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स मतलब टेल्स अस दैट द पर्सन बीइंग स्पोकन ऑफ कैन इधर भी फीमेल ऑफ मेल। अगर फ्रेंड की बात कर रहे हैं हम नॉर्मली, तो फ्रेंड का मतलब है कि फ्रेंड एक कॉमन जेंडर है, जिस जो कोई लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसलिए ये क्या हो गया? कॉमन जेंडर हो गया, ठीक है, जो फीमेल और मेल दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अब क्या आता है? नाउंस हैव फोर जेंडर्स। हाउ मेनी जेंडर्स? फोर जेंडर्स। नाउंस के पास फोर जेंडर्स होते हैं, कैसे? देखिए, एक तो होता है फर्स्ट मैस्कुलिन जेंडर। अ नाउन दैट डोनेट्स अ मेल पर्सन और एनिमल इज सेड टू बी ऑफ मैस्कुलिन जेंडर। देखिए, जो नाउन होते हैं वो डोनेट करता है, दर्शाता है कि जो पर्सन और एनिमल है वो मेल हैं और वो मैस्कुलिन जेंडर से हैं। किस तरह से पता चलता है? जैसे कि हमें, हमने एक एग्जांपल लिया, अब आपको बताती हूँ। देखिए, एग्जांपल है हमारा, जैसे कि मैन, हमें पता चला है मैस्कुलिन है, बॉय मैस्कुलिन जेंडर है, अंकल, सन, ब्रदर, किंग, लॉयन, कॉक, कॉक मीन्स होता है मुर्गा, लॉयन मीन्स होता है शेर। तो क्या शेर होता है, मुर्गा होता है, तो ये क्या है? मैस्कुलिन जेंडर, यानी कि मेल पर्सनैलिटीज से है, ठीक है, चाहे वो एनिमल हो या किसी पर्सन के बारे में बात हो रही, तो ये मैस्कुलिन जेंडर कहलाए, ठीक है बच्चों। अब सेकंड हमारा है फेमिनिन जेंडर। अ नाउन दैट डोनेट्स अ फीमेल पर्सन और एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर। अ नाउन, एक नाउन जो डोनेट करता है फीमेल पर्सन, फेमिनिन जेंडर। जैसे कि पर्सन और एनिमल में पता चलता है कि वो फेमिनिन जेंडर है, कैसे? एग्जाम्पल, जैसे वुमेन है तो ये फेमिनिन हो गया, गर्ल है फेमिनिन हो गई, क्वीन है, आंट है, हैन है, तो और भी चीज़ें हो सकती हैं इनके अलावा भी, ओके, एक्सेट्रा। तो ये क्या हो गया? हमारे फेमिनिन जेंडर है, जिनके बोलने से पता चल जाता है, जैसे औरत है, लड़की है, क्वीन है, तो हमें पता चल रहा है ना ये स्त्रीलिंग है, ये औरत जात है, ठीक है। इसी तरह हमारा आता है थर्ड, न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। वॉट इज न्यूट्रल जेंडर? अ नाउन दैट डोनेट्स अ थिंग विदाउट लाइफ दैट इज नीड द मेल नॉर फीमेल इज सैड टू बी इन द न्यूट्रल जेंडर। वो नाउन जो डोनेट करते हैं थिंग्स को जो लाइफलेस होती है, जो जिसमें लाइफ नहीं होती, विदाउट लाइफ, दैट इज नीदर मेल, ना ही वो मेल होती है, ना ही मैस्कुलिन होती है, दैट मीन्स, और ना ही वो फीमेल होती है, इज सैड टू बी इन द न्यूट्रल जेंडर, जिसमें कोई लाइफ नहीं होती है, ना मेल होती है ना फीमेल होती है। फॉर एग्जाम्पल्स, कार है, चेयर है, टेबल है, बॉल है, एसी है, लैम्प है, पेन है, पेंसिल है, तो दिस इज नोन एज न्यूट्रल जेंडर, क्योंकि लाइफलेस है और इनका कोई मेल फीमेल नहीं पैटर्न होता, ओके।
ठीक है। अब आता है हमारा फोर्थ, कॉमन जेंडर। व्हाट इज कॉमन जेंडर? अ नाउन दैट डोनेट्स ईदर अ मेल और अ फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। वो नाउन जिनसे पता चलता है हमें कि वो या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है, मतलब इसके डेफिनेट नहीं कि वो मेल ही है या फीमेल है, तो वो कहलाते हैं कॉमन जेंडर। जैसे कोई वर्ड एग्जाम्पल में बताते हैं, स्टूडेंट, स्टूडेंट गर्ल भी हो सकते हैं बॉय भी हो सकता है। अब किसी चाइल्ड स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, चाइल्ड मतलब बच्चा, या तो वो बेबी गर्ल भी हो सकती है, बेबी बॉय हो सकता है, ठीक है। बच्चा हम बोलते हैं ना, बच्चा जा रहा है, अब ये नहीं है कि लड़का ही जा रहा है या लड़की जा रही है। फ्रेंड, फ्रेंड हमारा गर्ल भी हो सकती है और बॉय भी हो सकता है। पीपल, लोग मतलब जेंडर में मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। पेरेंट, माँ भी हो सकती है, बाप भी होते हैं। तो ये दोनों के लिए हो गया यूज, इससे ये नहीं पता चलता कि वो मेल ही है या फीमेल ही है। ओके, ये आपको सारे जेंडर्स पता हो गए। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ फेमिनिन नाउंस। तो ये क्या है, फेमिनिन जेंडर कैन बी फॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज। जो फेमिनिन जेंडर होता है उसे बहुत ही डिफरेंट वेज होते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि बाय एडिंग ई डबल एस टू द मैस्कुलिन फॉर्म। समटाइम्स हम लोग सिर्फ मैस्कुलिन फॉर्म में ई डबल एस लगा देते हैं और हमारा क्या बन जाता है, फेमिनिन जेंडर। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, हमारे पास लॉयन है, ये क्या है हमारा, मैस्कुलिन है। हमने इसमें ई डबल एस कर दिया तो क्या हो गया, फेमिनिन हो गया, तो लॉयनेस हो गया। प्रीस्ट है, ई डबल एस लगा दिए थे, प्रीस्टेस्ट हो गया। ऑथर का ऑथरेस हो गया, सिर्फ ई डबल एस लगाए। होस्ट का होस्टेस हो गया, तो इससे क्या हुआ, मैस्कुलिन टू फेमिनिन में चेंज हो गया। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स आर चेंज्ड बिफोर एडिंग द ई डबल एस, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे स्पेलिंग में चेंज आ जाता है, हम अगर हम ई डबल एस यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जब हम फेमिनिन जेंडर में चेंज करते हैं मैस्कुलिन से, तो जैसे कि हंटर है, देखिए हंटर की स्पेलिंग यहाँ और हंटर में टी ई आर है, यहाँ पे टी के बाद ई नहीं लगेगा, हंट्रेस हो गया, तो आर ई डबल एस, ई डबल एस तो लगा ही लगा है, यहाँ से ई हट गया, तो क्या हो गया, यहाँ पे स्पेलिंग में चेंज आया है, ओनली ई डबल एस नहीं लगा है, ई भी हटा है, तो हंटर का हंट्रेस हो गया। एम्परर लिखा है आर ओ आर, आर यहाँ से ओ आर स्प्लिट हो गया, मतलब हटा दिया गया, ई डबल एस ज्वाइन कर दिया गया फेमिनिन बनाने के लिए, तो एम्परर का एम्प्रेस हो गया। देखिए ड्यूक है, ड्यूक का डी यू ही लिया गया है यहाँ पे, और सी एच लगा के ई डबल एस हो गया, तो डचेस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नर, तो गवर तो ठीक है, ओ आर हटा के ई डबल एस कर दिया गया है, तो क्या हो गया, गवर्नेस, ठीक है, फेमिनिन बनने के लिए। टाइगर है, तो टाइगर में से ई यहाँ से निकाला, स्प्लिट करा और यहाँ बन गया टाइग्रेस, ई डबल एस लगा के। एक्टर का ओ हटाया, स्प्लिट करा यहाँ से और ई डबल एस लगा के इसको फेमिनिन बना दिया और एक्टर से एक्ट्रेस बन गया। अब आता है हमारा, देखिए समटाइम्स मैस्कुलिन फेमिनिन में क्या होता है, बाय यूजिंग अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ड। ज़रूरी नहीं ई डबल एस लग के ही मैस्कुलिन टू फेमिनिन बने, ऐसा भी हो सकता है कि हमारा पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है। जस्ट लाइक फादर का मदर, हॉर्स मेयर, हॉर्स मतलब सब जानते हैं घोड़ा, तो घोड़ी, स्टैग हिंद, ये बारह सिंगा जो मेल होता है वो, और ये फीमेल वाला, ठीक है। कॉक मुर्गा, हैन मुर्गी, अंकल सब जानते हैं, आंट और आंटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। बुल मतलब बैल, कॉ मींस गाय, तो ये इसे पता चलता है हाँ ये मैस्कुलिन है तो, और ये इसका फेमिनिन जेंडर है। ज़रूरी ही नहीं कि ई डबल एस एस डबल ई एस ऐसे ही कुछ लगे। अब देखिए थर्ड है, बाय एडिंग अनदर वर्ड टू द फेमिनिन नाउन टू मेक अ कंपाउंड वर्ड। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ और वर्ड उसमें कंबाइन कर दिए, जैसे ग्रैंड प्लस फादर, तो ग्रैंड फादर हो गया तो क्या हुआ, मैस्कुलिन हो गया। ग्रैंड प्लस मदर हो गया इजकल टू ग्रैंड मदर हो गया, तो क्या हुआ, फेमिनिन हो गया। इसी तरह हम लोग कुछ कुछ चेंजेस ला के सिर्फ वर्ड बदल देते हैं, तो वो बाकी शुरू का तो वही रहता है, लास्ट में चेंज हो जाता है। जैसे कि मैस्कुलिन और फेमिनिन में वॉशर मैन है, तो मैन की जगह क्या हो गया, वॉशर वुमेन। स्टेप सन है, सन की जगह स्टेप डॉटर। ही गोट है, देखिए यहाँ पे हो गया शी गोट फेमिनिन के लिए। लैंड लॉर्ड है, यहाँ पे लैंड लेडी हो गया फेमिनिन के लिए। मिल्क मैन हो गया, तो मिल्क मेड हो गया। मैन सर्वेंट हो गया, यहाँ पे मेड सर्वेंट हो गया। अब देखिए पी कॉक है और यहाँ पे पी हैन हो गया। स्टेप फादर है और फादर को चेंज करके हमारा स्टेप मदर हो गया।
तो इस तरह से भी चेंजेस आते हैं। अब फोर्थ है, देखिए कॉमन जेंडर के बारे में बात बता रहे हैं। कॉमन जेंडर रिफर्स टू ईदर अ मेल और अ फीमेल। कॉमन जेंडर्स वो होते हैं या तो रिफर करते हैं मेल या तो फीमेल को, क्यों लेकिन कैसे, दोनों को ही रिफर करते हैं। वर्ड्स डिनोटिंग कॉमन जेंडर आर, वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कॉमन जेंडर जनरेट करते हैं, जैसे कि एंकर मेल और फीमेल दोनों हो सकती हैं, ठीक है। बेबी मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, चाइल्ड भी मेल और फीमेल हो सकते हैं, पेरेंट मेल और फीमेल हो सकते हैं, ट्यूटर तो ये मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों में ट्यूटर का ट्यूटर ही हो सकता है, इस तरह से पेरेंट का पेरेंट ही रहेगा, इसी तरह उनका एक ही वर्ड इसलिए अलग से नहीं लिखा है। तो ये कॉमन जेंडर में आते हैं, ट्यूटर मेल भी और फीमेल भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकता है मेल और फीमेल हो सकता है, वार्ड है मेल या फीमेल, रिपोर्टर है मेल या फीमेल, स्टूडेंट है मेल या फीमेल, कज़न है मेल या फीमेल, इसी तरह से और बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो मेल या फीमेल में कॉमन जेंडर में यूज़ होते हैं। आई होप को आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और बहुत ही ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।